टुडे आई एम प्लेइंग क्रिप्टो ड्रैगन का गेम विच वन इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड गेम। दिस गेम इज 100% जेन्युइन गेम एंड इट्स विल प्रोवाइड क्रिप्टो करेंसी इन टू योर वॉलेट एंड सिंपली यू कैन विड्रॉ इट एंड यू कैन सेंड इन टू योर बैंक अकाउंट और डिफरेंट काइंड ऑफ इजी पैसे एंड जैस कैश। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करने का तरीका नहीं बता रहा, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो और आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको इसके मेन पॉइंट बताऊँगा, इसके कौन सा कॉइन है और इस कॉइन को कैसे आपने ट्रांसफ़र करना है अपने वॉलेट में, और वॉलेट के बाद कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ये कॉइन रजिस्टर है, और कॉइन को सेल करके आप इससे रियल और जेन्युइन मनी या USDT कमा सकते हैं। वो मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा। और जो जिसको मेरी वीडियो फजूल लगती है या कुछ इस तरह की बात है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। जैसे ही आप गेम को ओपन करोगे आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल इस तरह ड्रैगन को मर्ज कर देना है, ठीक है। और बाकी आप डिटेल वगैरह इसकी चेक करोगे तो आपको सिंपल सी डिटेल है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, सिंपल है, कुछ इस तरह कोई लंबा या लेंथी प्रोसेस नहीं है। मेन मुद्दे पे बात करते हैं, ये नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है विड्रॉ का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है रिलायंस वॉलेट, ये जो आपको नज़र आ रहा है रिलायंस वॉलेट के ऊपर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। आप रिलायंस वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे, रिलायंस वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, आपने सबसे पहले इसके ऊपर रजिस्टर कर लेना है या फिर आप गूगल से फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। मैं बेसिकली गूगल से लॉगिन हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अपना वॉलेट आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, रिलायंस वॉलेट के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का मिलेगा, जहाँ पर टोटल बैलेंस होगा आपका, यह टोटल बैलेंस गैम वाला है, जो गैम की करेंसी है ये टोटल बैलेंस वो है। आपके वॉलेट के अंदर इस टाइम मेरे वॉलेट में 0.001 लाइस पड़े हुए हैं, इसकी जो करेंसी का नाम है लाइस है। अच्छा, आपने वॉलेट के अंदर जैसे ही आना है तो सबसे पहले जो गेम के अंदर जो आपने अर्निंग की होगी, जो लाइस टोकन आपने अर्न किए होंगे, उनको आपने ट्रांसफ़र करना है वहीं से, वहां पे ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र का, आपने उस पर क्लिक करना है तो सीधे आपके इस वॉलेट में आ जाएंगे। अच्छा, अभी तीसरा स्टेप आपको बताता हूँ, जो ये लाइस टोकन है ये कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर रजिस्टर है, उस एक्सचेंज के ऊपर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर हम इसको विड्रा करेंगे या मैं आपको उसका तरीकाकार बता दूँगा। जब आपकी इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपने लाइस टोकन वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। इसकी जो मिनिमम विड्रा ट्रांसफ़र करने का है वो 10 लाइस टोकन है, 10 लाइस टोकन हुए तो आप विड्रा कर सकते हैं। दोबारा गेम में आना है, विड्रॉ के बटन पे आपने क्लिक करना है, और नीचे ये दो एक्सचेंजेस हैं, एक बायबिट होगी दूसरा नियर होगी, आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जाके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है और रजिस्टर हो जाना है। मेरे पास इसकी ऐप है, मैं इसकी ऐप को ओपन करूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि ये टोकन रजिस्टर है। बायबिट में आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ वॉलेट पर एसेट पर क्लिक करना है, एसेट पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह करना है, फंडिंग पर आप क्लिक करेंगे, आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, डिपॉजिट में आ जाएंगे और यहाँ ऊपर सर्च बार के ऊपर आपने सिंपल लिखना है लाइस टोकन, ये लाइस का टोकन आ जाएगा। आपने यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा लाइस टोकन का पेयर, आपने ट्रेड में आना है, ट्रेड में आपको पेयर नज़र आएगा, आपने बाय नहीं करना, हमने सेल करना है, हमने सेल के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं आपको उस पर विड्रा करने का तरीका बताता हूँ, पहले आप ये समझ लें, यहाँ से जिसके पास लाइस टोकन है वो यहाँ पे आके इसको इजीली सेल कर सकता है। इसकी जो करंट पर प्राइस चल रही है अभी वो चल रही है 0.02 एक लाइस टोकन की, काफ़ी अच्छा रेट है इसका। जो आपने एड्रेस कॉपी किया है उस एड्रेस को आपने यहाँ पर विड्रा के बटन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी मैक्सिमम अमाउंट लिखनी है, जो कि मिनिमम इसकी विड्रा अमाउंट है वो 10 है लाइस, मेरे पास अभी कम है, मेरे पास मैक्सिमम 2 पड़े हुए हैं।
जो मेरे पास थे वो मैंने विड्रॉ करवा लिए। आपने सिंपल यहाँ विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है और ये आपके अकाउंट में सीधा बायबिट के अकाउंट में चले जाएंगे। सिंपल इज़ डैट, ये प्रोसीजर है। और बाद में आप उसको सेल करके USDT में ले सकते हैं, और USDT के बाद इसको अपने जैस कैश में या फिर आप बाइनेंस में USDT सेंड कर सकते हैं। हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा कि थैंक्स अ लॉट।